कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज आदिवासियों के तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम जाएंगे। बेणेश्वर धाम में राहुल गांधी 132 करोड़ की लागत से बने पुल का शिलान्यास करेंगे। राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत भी बेणेश्वर धाम जाएंगे। राहुल गांधी 11 बजे बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे। 11:10 पर हरि मंदिर में दर्शन करेंगे। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से 11:35 पर बांसवाड़ा जिले में आयोजित जनसभा के लिए रवाना होंगे। उसके बाद 11:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 1:30 पर सभा स्थल से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने ये जानकारी दी है। राहुल गांधी की जनसभा राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई मायनों में खास है। राहुल गांधी इसी सभा से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में परंपरागत वोट बैंक को साधने का प्रयास करेंगे। जनसभा में गुजरात और राजस्थान के आदिवासी शामिल होंगे। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बेणेश्वर धाम पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर और एसपी सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दूसरे कई बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। राहुल गांधी बेणेश्वर धाम पर हरि मंदिर में दर्शन के बाद महंत अच्युतानंद महाराज से धाम को लेकर बातचीत करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेणेश्वर धाम पर 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर बेणेश्वर धाम से पुल के दूसरी ओर बांसवाड़ा जिले में सभा को संबोधित करेंगे। सभा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर समेत एमपी गुजरात के लोग भी जुटेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर विशेष पंडाल तैयार किया जा रहा है। भारी भीड़ और वाहनों के आने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि बेणेश्वर धाम में पुल बन जाने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। बारिश के दिनों में बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब पुल बन जाने से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। स्थानीय लोग काफी समय से पुल बनाने की मांग कर रहे थे, अब ये मांग पूरी होने जा रही है।